दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जिनके अंदर कुछ अलग करने का जुनून सवार होता है, जिसके चलते वो दिन रात अपने गोल पर फोकस करते हैं और फिर इनमें से कई लोग काफी हैरान कर देने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डालते हैं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही शॉकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे रिकॉर्ड्स बताएंगे जिन्हें कोई भी इंसान इनके तोड़ने की सोचेगा भी नहीं। दोस्तों, वीडियो काफी शानदार है, बस हर बार की तरह आपसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज 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 वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको फ्रांस के प्रतीत के द्वारा बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे जानने के बाद आप अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे और यकीनन आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, किसी चीज को लेकर जुनून या उसके प्रति पागलपन क्या होता है, ये आपको इनकी कहानी जानकर पता चल जाएगा। बता दें, फ्रांस के ये शख्स शुरू से ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिलो जान से मेहनत करने लगे थे। दोस्त, आपको बता दें, इन्होंने अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए केवल 5 साल की उम्र से ही प्रैक्टिस करनी चालू कर दी थी। इसके लिए इन्होंने दिन रात सुबह शाम 24 घंटे लगातार प्रैक्टिस की। लोगों की नजरों में ये पागल घोषित हो चुके थे। आसपास के सभी लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि इन्हें पागल खाने भेज देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, आपके किसी चीज को पाने के उत्साह को देखकर दुनिया अगर आपको पागल कहती है तो फिर समझ जाना चाहिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में हैं और अब आपकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। प्रतीत ने भी इन बातों को नकारते हुए अपने गोल पर फोकस रखा। मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने पेरिस के 2 ऊंचे टावर्स के बीच रोप लगाकर उस पर चलने की कोशिश की और इसमें सफल भी रहे। लेकिन इनका सपना इससे भी कहीं बड़ा था। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे इन्होंने अपने लक्ष्य और बढ़ा दिए और फिर साल 1976 में इन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा कारनामा करके दिखाया। एक ऐसा कारनामा जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज है। इन्होंने न्यूयॉर्क के 2 सबसे बड़े टावर्स के बीच में रोप लगाकर चलना शुरू कर दिया। ये रिकॉर्ड आज भी इन्हीं के नाम है। लोगों का कहना था कि दुनिया में केवल यही है जो इस काम को करने के लिए पैदा हुए थे। दोस्त, आपको बता दें, ये न केवल रोप पर चलते थे बल्कि रोप पर सो भी जाया करते थे। साथ ही ये रोप पर तरह तरह के स्टंट भी किया करते थे। इनके कारनामे ऐसे थे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मात्र 24 साल की उम्र में ये न केवल अपने देश फ्रांस में बल्कि पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गए थे। ये जहां भी जाते थे वहां इन्हें सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता था। लोगों में पागल कहे जाने वाले ये शख्स दुनिया में स्टार बनकर उभरे। नंबर 2, दोस्तों अब आप इनसे मिलिए। इनका नाम है मेलविन रॉबर्टन, जो कि अमेरिका मूल के नागरिक हैं। दोस्तों बता दें, मेलविन के नाम एक बेहद ही यूनिक और चौंका देने वाला रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो दुनिया में कोई भी इंसान अपने नाम नहीं करना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इनके ऊपर 9 बिजली गिर चुकी है और इसी वजह से इनका नाम रिकॉर्ड लिस्ट में दर्ज है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 1-2 नहीं बल्कि पूरी 9 आकाशीय बिजली को मेलविन अपने गले लगा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि 80 साल की उम्र में भी ये बिल्कुल फिट हैं, जैसे कि आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं, आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक 10 में से एक इंसान ही आकाशीय बिजली की चपेट से बच पाता है। लेकिन यहाँ तो जो हुआ वो वाकई हैरान कर देने वाला है। 9 बिजली के झटके झेल चुके हैं फिर भी बिल्कुल फिट खड़े हैं। जब इनसे इस बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जब जब इनके शरीर पर बिजली गिरी है तो उनको यूं ही महसूस हुआ है कि मानो इनका पूरा शरीर जल गया हो। हर बार ये मौत को छूकर टक से वापस आए हैं। जिंदगी और मौत की लड़ाई में इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इनके जीने की चाह ही इनको आज फिट बनाए हुए हैं। जब ये 42 साल के थे तब इनके ऊपर पहली बार बिजली गिरी थी। उस समय ये अपने खेत में काम कर रहे थे। दोस्तों, इनके इसी रिकॉर्ड के बारे में जानकर ही हमने आपसे कहा था कि दूसरा कोई इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहेगा। हालांकि दोस्तों, इनके ऊपर बिजली गिरने से इनके साथ जो एक बड़ी दिक्कत हुई वो ये है
कि इनकी याददाश्त धीरे धीरे कम हो रही है, जिसकी वजह से ये अपने पुराने दिन भूलते जा रहे हैं। वैसे तो इनके साथ जो हुआ है उस हिसाब से तो ये अपने पुराने दिन भूल जाएं तो यही अच्छा है। नंबर 3, दोस्तों वीडियो में आप जिस शख्स को देख रहे हैं उनका नाम टॉम लेकी है, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। दोस्तों साल 2017 में इनकी मौत हो चुकी है, लेकिन ये कुछ ऐसा कर चुके हैं जिसकी वजह से इनका नाम अमर हो गया है। बता दें इनकी वाइफ कैंसर की वजह से चल बसी थी। लेकी अपनी वाइफ से हद से ज्यादा प्यार करते थे। अपनी वाइफ की मौत के बाद इन्होंने फैसला किया कि इनको कुछ करना चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी की पत्नी कैंसर की वजह से न मरे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, इन्होंने 85 साल की उम्र में विंड वॉकिंग का कारनामा करके दिखाया था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वो इंसान जिसकी उम्र 85 साल की है वो एयरक्राफ्ट के ऊपर खड़ा होकर 40 मिनट तक हवा में टिका रहा। ये कारनामा इन्होंने अपने जीवन में कई बार किया। इनको लेकर कहा जाता था कि काफी स्ट्रांग थे और किसी भी चीज से नहीं डरते। मरने से पहले इन्होंने कैंसर ट्रस्ट के लिए $2 मिलियन डोनेट किए। दोस्तों वाकई कितनी हैरान कर देने वाली बात है, एक इंसान जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में था, उसने अपने जीवन के आखिरी समय में रिस्क लेकर कैंसर पीड़ित लोगों के लिए पैसे इकट्ठे किए और उन्हें डोनेट कर दिया। वाकई इनके जज्बे को सलाम है। और दोस्तों अगर आपको भी ये जुनून पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 4, दोस्तों वीडियो में मौजूद शख्स का नाम है चार्ल्स। दोस्तों दुनिया का कोई भी शख्स चार्ल्स का रिकॉर्ड नहीं तोड़ने की सोचेगा। अरे तोड़ना तो दूर, उसके आसपास आने की भी नहीं सोचेगा, क्योंकि इनका रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है। बता दें साल 1992 में इनको एक बार नॉर्मल तौर पर हिचकी आई थी, जो कि काफी कॉमन है और आमतौर पर हमें भी आती है। लेकिन दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे, इनकी हिचकी फिर सालों तक रुकी नहीं। बता दें 68 साल तक चार्ल्स लगातार हिचकी करते ही रहे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप ही बताइए, भला इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ना चाहेगा, 68 साल तक बिना रुके हिचकी। अपनी हिचकी रोकने के लिए इन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, सिटी के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में 68 सालों के बाद अपने आप इनकी हिचकी रुकी। दोस्तों आमतौर पर कहा जाता है कि हिचकी आने पर आपको कोई याद कर रहा होता है, लेकिन क्या अब आप इस घटना के बाद मानेंगे कि वाकई हिचकी में कोई याद करता है, क्योंकि दोस्तों लगातार 68 साल तक कोई कैसे याद कर सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें जरूर बताइए। नंबर 5, दोस्तों अब इनसे मिलिए। इनका नाम है फॉरमैन। इन्हें शायद ही कोई नहीं जानता होगा, ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बता दें दोस्तों इनके नाम दुनिया में 700 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। फॉरमैन आए दिन नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपने आप को प्रूफ करते रहते हैं। इनके 700 रिकॉर्ड्स में से 200 रिकॉर्ड्स तो ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। ये हर बार खुद को ही चैलेंज करते रहते हैं। दोस्तों कहना पड़ेगा ऐसे इंसान धरती पर कम ही पैदा होते हैं। आप ही बताइए, भला कोई 700 रिकॉर्ड्स अपने नाम कैसे कर सकता है। दोस्तों आपको फॉरमैन पसंद आए हो तो वीडियो लाइक जरूर करें। नंबर 6, दोस्तों विज्ञान की तरक्की से तो हम सभी अच्छे से वाकिफ हैं। दुनिया में कई ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जो अपने आविष्कारों से हमेशा से ही सभी को हैरान करते हैं। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी विज्ञान की ही देन है, ऐसे में वैज्ञानिकों के कई रिकॉर्ड्स हैं। दोस्तों इस सीरीज में हम आज आपको मिलवाने वाले हैं जापान के उस वैज्ञानिक से जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा चीजों का आविष्कार किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान के नाकामत्सु की। दोस्तों जापान की क्रिएटिविटी का अंदाजा आप नाकामत्सु से लगा सकते हैं, इनकी बात ही अलग है। इन जैसा इंसान ना तो हुआ है और शायद ही भविष्य में देखने को मिलेगा। दोस्तों बता दें जापान के नाकामत्सु अब तक 3500 से भी ज्यादा चीजों के आविष्कार कर चुके हैं, जो कि थॉमस एडिसन से भी कहीं ज्यादा हैं। बता दें नाकामत्सु ने थॉमस एडिसन से भी 3 गुना ज्यादा चीजों का आविष्कार कर लिया है। दोस्तों भारत में भले ही इनकी इतनी पॉपुलैरिटी न हो, लेकिन अमेरिका में ये किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। दोस्तों साथ ही ये एक अच्छे राइटर भी हैं। अगर आपके पास थोड़ा भी समय बचता है तो इनकी किताबें जरूर पढ़िएगा, इनकी बुक्स वाकई काफी इंस्पायरिंग हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये 91 साल की उम्र में भी काफी फिट हैं।
नैकमल्स आज भी उतने ही एक्टिव हैं जितने कि पहले थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 10 साल पहले ये कैंसर की बीमारी से भी लड़ चुके हैं। जब ये कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे तब डॉक्टर ने कहा था आपकी उम्र 80 से भी ज्यादा की है, इसलिए अब आप नहीं बच पाएंगे। तब दोस्तों नैकमल्स ने कुछ ऐसा किया जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। दोस्तों क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने क्या किया होगा? नैकमल्स ने एक ऐसी डाइट बनाई थी जिसकी मदद से वो जल्दी ही रिकवर हो गई। हालांकि दोस्तों ये बात मेडिकल डिपार्टमेंट और साइंस नहीं मानती है कि कोई भी इंसान डाइट की वजह से कैंसर को मात दे सकता है, लेकिन नैकमल्स दावा करते हैं कि उन्होंने कैंसर से जंग अपनी डाइट की वजह से ही जीती है। नैकमल्स को लेकर एक बात काफी प्रचलित है, इनका ब्रेन आज भी काफी एक्टिव है और ये हमेशा एक कदम आगे की सोच रखते हैं। साथ ही दोस्तों नैकमल्स से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला फैक्ट ये भी है कि जब ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर सोचते हैं तो पानी के अंदर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका मानना है कि जब इनके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है तब इनका ब्रेन और तेज सोचने लग जाता है। चाहे कुछ भी हो दोस्तों, ये तो मानना पड़ेगा कि नैकमल्स दुनिया के लिए मिसाल है। इन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप में कुछ कर गुजरने की इच्छा है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपका फोकस आपके लक्ष्य पर ही होना चाहिए। तो दोस्तों क्या आप भी कुछ इस तरह के इंसानों को जानते हैं जिन्होंने इस तरह के रिकॉर्ड कायम किए हो? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।